मैं एम गुलरे तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़िम अदे रफ्ता अजीज होता है, इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क और कौम की तारीखी यादगारें उस कौम के उरूज और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। नाज़िम आबा व अजदाद की निशानियाँ तारीख का वो आईना होती हैं जिनमें कौमें अपना माजी देख कर हाल का एहतसाब करती हैं और फिर मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तय करती हैं। जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है उस कौम को उसके मुखालिफिन बहुत ही आसानी से सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। यही वजह है कि हमारे अकाबरीन ने तारीख को महफूज करने का सिलसिला शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों की जानिब से अपनी तारीख महफूज करने के जज्बे को देखकर दीगर अकवाम ने भी इसको अपनाया था। मौजूदा दौर में जब एक ख़ास नज़रिए के मानने वाले नफ़रत के नशे में चूर और तासुब का चश्मा पहने इस मुल्क को लाल किले की मजबूती, कुतुब मीनार की बुलंदी, जामे मस्जिद की पाकिजगी और ताजमहल की खूबसूरती अता करने वालों के हर हुनर को ऐब, हर तामीरी काविश को तखरीबी फेल करार देने का अज़्म कर चुके हैं। एक ख़ास मजहब के मानने वालों की तारीख हर एतबार से मस्ख करने की कोशिशें की जा रही हैं। हद यह है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाले को भी निसाब से हटाने की साजिश की जा रही है, जो किसी से छुपी नहीं है और इसका खुलेआम इजहार किया जा रहा है। ऐसे में हमारी मुल्की मिल्ली कौमी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख को अपने अकाबरीन के कारहाई नुमाया और उनकी निशानियों को महफूज करें, वरना हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं कर सकेंगी। लिहाजा नाज़रीन, हम आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तारीख़ी और अहमियत का हामिल बाबुल इल्म सर सैयद के दौर में तामीर होने वाला चंद दरवाज़ों में से एक है जो गुमनामी के सबब बदहाली का शिकार होता जा रहा है। वैसे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया का वो वाहिद तालीमी इदारा है जिसकी दियार में कहीं भी खड़े हो जाएं और गौर करें तो उसकी हर दरो दीवार से कोई ना कोई ऐसी तारीखी अहमियत सामने आ जाती है जिस पर मिल्लत अपना सर फख्र से बुलंद करने लगती है। लेकिन ये अफसोस का मकाम है कि कुछ ऐसी तारीखी इमारतें भी हैं जो आज गुमनामी के अंधेरे में डूबी बदहाली का शिकार खामोश सरापा फरियाद बनी खड़ी हैं और मिल्लत की बेहिसी की शिकायत करते हुए माबूद की बारगाह में कभी भी सजदा रेज हो सकती हैं। हालत यह है कि उनके आंसू पहुंचना तो दूर कोई देखने वाला शायद इसलिए नहीं है क्योंकि मौजूदा इंतजामिया तो अपने नाम के पत्थर लगवाने में मसरूफ़ है, जबकि इदारे के बानी सर सैयद अहमद ख़ान नामो नमूद के कायल नहीं थे। नाज़रीन, नुमाइंदे रोज़नामा इनकलाब बाबुल इल्म की तारीख और उसकी मौजूदा सूरत हाल को जानने के लिए सर सैयद हॉल शिमाल के डाइनिंग हॉल के पीछे की जानब पहुँचा तो वहाँ पर बदहाली, गंदगी और बदबू के सिवा कुछ न मिला और तज़ीन के नाम पर 2018 में नस्ब किया गया एक पत्थर ज़रूर नज़र आया जिस पर एएमयू इंतज़ामिया ने अरबी की तरकीब को फारसी की तरकीब में बदल दिया और बाबुल इल्म के बजाय बाब इल्म कंदा कर दिया, जबकि ठीक बाब इल्म के ऊपर बाबुल इल्म आज भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ नज़र आता है जो ज़बान हाल से ये कह रहा है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाज़िम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत पर गहरी नज़र और अलीगढ़ तहरीक से वाकफियत रखने वाले दानिशवरान के मुताबिक बाबुल इल्म सर सैयद के दौर में तामीर होने वाले चंद दरवाज़ों में से एक है जो इब्तदाई तौर पर कच्ची बैरिक का मरकज़ी दरवाज़ा था जो मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। इसे बाबुल इल्म कहा जाता था क्योंकि यह तालीमी राहदारी यानी गैलरी की जानिब जाता था। अब ये बाबुल इल्म सर सैयद हॉल के डाइनिंग हॉल का पिछला गेट है और ऐसा महसूस होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये तारीखी दरवाज़ा अपनी अहमियत और शिनाख्त खोता जा रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर सैयद के इस चमन की 99% बुलबुलें इस बाबुल इल्म के मुतालिक इल्म नहीं रखती। इसे गेट पर नस्ब पत्थर की तख्ती ही हमें इसकी शिनाख्त करने में मदद देती है। नाज़िम, याद रहे कि तारीख नहायत ही शफ़ाक और ज़ालिम होती है, वो किसी को भी नहीं बख्शती क्योंकि मौरिख और मौक़िक़ का कलम नोके शमशीर से ज़्यादा सख्त होता है। वो कभी अपनी पराई की तमीज़ नहीं करता। अगर हम अपनी तारीख को महफूज करने में कोताही करेंगे तो मुस्तकबिल का मौरिख और मौक़िक़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगा और हमें इब्नुल वक्त, मौका परस्त और मफाद परस्त जैसे नामों से पुकारने में नहीं चूकेगा क्योंकि आज ही मिल्लत परस्तों से सुल्तान टीपू की रूह सरंगापट्टनम के किले पर तड़प कर ये कहती है कि जिस जहाज़ का मुसाफिर खुद उसके पैंदे में सुराख कर रहा हो उसको डूबने से दुनिया के बेहतरीन मल्ला भी नहीं बचा सकते। आखिरकार नाज़िम, हालात हाजरा को देखते हुए आदिल कुछ यूँ कहने पर मजबूर है कि तकसीम वतन के बाद से ही सर सैयद के इस तालीमी इदारे से फारिग होने वाले नौनिहालों ने
अगर सर सैद के मिशन को कमा हक हकू समझ कर ईमानदारी से इस पर काम किया होता तो आज मजाज के इस तराने अलीगढ़ को गुनगुनाते हुए हमें ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ।